सभी की जोरदार तालियां इस शुभ अवसर की शोभा और बढ़ाएंगे। मित्रों तो जोरदार तालियां बजाइए। नियुक्ति पत्र हेतु राजस्व विभाग ने सबसे पहले अभिषेक कुमार गढ़ कनिष्ठ सहायक के पद पर आपको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्व विभाग में पूजा श्रीवास्तव मृतक आश्रित के रूप में लेखपाल के पद पर आपको नियुक्ति प्रदान की गई है। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। युवा कल्याण विभाग अर्जुन सिंह को युवा कल्याण विभाग द्वारा अर्जुन सिंह पीआरटी स्वयं सेवक की मृत्यु से अपंग हो जाने की दशा में अनुकंपा के आधार पर जो पात्रों का चयन किया गया। बेसिक शिक्षा विभाग से ब्रजेश कुमार अग्रहरी सहायक अध्यापक के पद की नियुक्ति। समाज कल्याण विभाग शोभा ग्राम विकास अधिकारी समाज कल्याण के पद पर नियुक्ति। और होम गार्ड्स विभाग पूजा इनको नियुक्ति पत्र। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां मंच पर हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार दीपावली से पूर्व इन सभी को ये लाभ वितरित करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश इस संकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रदेश के विकास को समर्पित आपकी निरंतर सक्रियता और सकारात्मक दृष्टिकोण हम सबको सदैव नए उत्तर प्रदेश के निर्माण से जुड़ने को प्रेरित करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जनपद महाराजगंज की 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण की दिशा से आप मुझे जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपावली के ठीक पहले चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को ये 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूँ और इन 940 करोड़ रुपए में चौक के लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया कि सबसे अधिक इसमें आपको प्राप्त हुआ। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक पनेरा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष सौ श्रीमती संगीता देवी जी, सभी पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण और चौक और महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
ये 940 करोड़ रुपए की जो योजनाएं आज यहाँ के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, इसमें नगर पंचायत चौक के अपने स्वयं के भवन, नगर पंचायत पनियारा के स्वयं के भवन के साथ ही अन्य ऐसे जो कि स्थानीय निकाय से जुड़े हुए नवनिर्मित भवन है उनके लोकार्पण का कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है और हमारा खिलाड़ी भी, हमारा स्थानीय खिलाड़ी भी ओलंपिक, एशिया और कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, इसके लिए स्थापना सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनिस्टेरियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहां पर उसके लोकार्पण के साथ साथ देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दृष्टि से विरासत और विकास का